कुछ लोग सनातन के संतान बनते हैं लेकिन सनातन के संस्कार को अपना नहीं पाते। आज नवरात्रा के अवसर पर आप जिस तरह से मछली खाते हुए ट्वीट करके क्या दिखाना चाहते हैं, ये कतई उचित नहीं है। और धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये कहीं नहीं है कि अपने धर्म का अपमान करें। बिहार में तेजस्वी यादव के मछली खाने का मामला अब तूल पकड़ते हुए दिखाई पड़ रहा है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने सीधे तौर पर सवाल उठाया है। विजय सिन्हा ने कहा कि खान पान व्यक्ति की अपनी सोच और रुचि होती है, लेकिन सनातन धर्म की बात करने वाले लोग अगर नवरात्र में, जब चैत्र नवरात्रि चल रही है और ऐसे में मछली खाकर उसका वीडियो सोशल मीडिया पर डाला जा रहा है, ये कहीं से भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि चुनावी प्रचार में निकले तेजस्वी यादव मुकेश सहनी के साथ मिलकर रोटी और मछली खा रहे थे और खुद तेजस्वी यादव ने यह वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला, जिसके बाद बिहार की सियासत में सोशल मीडिया पर कई तरह के सवाल उठने लगे, जिसके बाद बीजेपी ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। बीजेपी की तरफ से बिहार सरकार में नंबर दो के पोजिशन पर बिहार के जो डिप्टी सीएम हैं विजय सिन्हा, उन्होंने सीधे तौर पर इस पूरे मामले पर सवाल उठाया। बिहार में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। तेजस्वी यादव के खिलाफ विजय सिन्हा ने सुबह सुबह बड़ा बयान दिया, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं विजय सिन्हा। कुछ लोग सनातन के संतान बनते हैं लेकिन सनातन के संस्कार को अपना नहीं पाते। खान पान पर मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन सावन में भी मटन बना के खाना और खिलाना। आज नवरात्रा के अवसर पर आप जिस तरह से मछली खाते हुए ट्वीट करके क्या दिखाना चाहते हैं, तुष्टिकरण की राजनीति, वोट के लिए इतनी गिरावट, अरे ये अपने धर्म पर, अपने समाज पर, अपने राष्ट्र पर, अपने संस्कार पर लोग को गर्व महसूस होना चाहिए। उसको हल्का करना, उसको लज्जित करना, ये कतई उचित नहीं है। और धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये कहीं नहीं है कि अपने धर्म का अपमान करें, अपने लोगों को हतोत्साहित, डिमोरलाइज करें। ये मानसिकता कभी किसी को लाभ नहीं देता और तुष्टिकरण की राजनीति अब देश में नहीं चलेगी। प्रधानमंत्री ने साफ कहे कि अब संतुष्टिकरण की राजनीति होगी, सबका सम्मान, सबका साथ, सबका विकास होगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।